के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ग्वालियर के अंदर जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था और ग्वालियर पहुंचने से पहले ही चंद्रशेखर आजाद और उनके तमाम समर्थकों कार्यकर्ताओं सहित तमाम लोगों को पुलिस ने आपको बता दें कि जगह जगह पर रोककर हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर बात साफ है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा जेल भरो आंदोलन की चेतावनी के बाद ही करीब 4,000 पुलिसकर्मी जगह जगह पर है वो लगाए गए और चंद्रशेखर आजाद को रोका गया। इस मामले में अब भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने तानाशाही के सभी मापदंड है वो तय कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही के खिलाफ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है पूरे मध्य प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। क्या कुछ चंद्रशेखर कह रहे हैं? ये मांग वो कहा था कि जब आप निर्दोष लोगों को जेल में रखोगे तो उनकी आवाज उठाने के लिए हम लोग जेल चलेंगे। हमने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, मैंने उसका समर्थन किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुरैना में बात हुई, मैं आज परिवारों से मिला, उनका दुख मैंने जाना। उन्होंने बताया किस तरह से जेल में हमारे जो लोग जेल भेजे गए निर्दोष लोग, उनको जेल में पीटा गया जबकि ये कहीं से और उनको फ्रैक्चर तक है। और एक साथी को रीवा जो है जेल ट्रांसफर कर दी गई, कई सारे साथी फरार हैं, उनके वाहन जब्त हैं। कई चीजों पे हमने अपनी मांगे रखी और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो इस पे स्क्रूटनी करके सही कार्य करेंगे, निर्दोष लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। आगे की अज्ञात के नाम पे जो गिरफ्तारी के नाम का खेल चल रहा है और एक अवैध वसूली चल रही है, जैसे किसी का नाम आकाश है तो जितने भी आकाश क्षेत्र में आते हैं उन सबके घर जाके पूछना कि तुम थे, और अगर नहीं थे तो कुछ पैसे निकालो तो आपकी जान बच जाएगी। जो लूट चल रही है पुलिस की,